आपको एक खबर से आगाह करने चले कि एक हुंसा में एक जो दूल्हा दुल्हन थे वो एक्सीवेटर पर अपनी बारात लेके गए, यानी दूल्हा और दुल्हन एक्सीवेटर के जो आगे एक सिस्टम लगा होता है एक बॉक्स की तरह का, मट्टी वगैरह या कोई भी चीज़ उठाने के लिए, तो उसके अंदर ही खड़े होकर उन्होंने वापसी जब रुखसती हुई तो उसी पे आए। तो इस पर असिस्टेंट कमिश्नर ने, जो वहाँ के मुतल्लिक असिस्टेंट कमिश्नर थे, उन्होंने नोटिस लिया कि और उनसे जवाब तलब भी किया है। उनके क्या मौकिफ थे, उन्होंने क्यों नोटिस लिया और वो क्या चाहते थे। इससे पहले आपको मज़ीद आगाह करें, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट्स मिनटर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर ऑन कीजिएगा। इससे ये होता है कि जो भी हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप रह सकेंगे हर नए आने वाली वीडियो से बाखबर। तो देखते रहिए फैक्ट्स मिनटर। आपको बताते चलें कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब जो है उनकी बात भी बिल्कुल ठीक थी। वो कहते हैं कि उन्होंने जो ड्राइवर थे जो एक्सीवेटर चला रहे थे उनसे जवाब तलब किया है कि आपने ऐसा क्यों किया, क्या वजाहत है, आप मुझे वजाहत पेश करें, क्योंकि एक्सीवेटर पर जाने से कुछ भी हो सकता था, वहाँ पे गिर के जख्मी होने के ज़्यादा चांसेस थे, क्योंकि वो जो एक मशीन है वो बिल्कुल एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो है नहीं, बिल्कुल वो एक मिट्टी उठाने या उस तरह के काम आती है। अगर आप उस पर कोई धक्का लग जाता है या कुछ भी हो सकता था, लोग जख्मी हो जाते थे, लोगों की ज़िंदगियों को खतरा था। तो इस वजह से उन्होंने नोटिस लिया कि इस पर, लेकिन वो एक नरम गोशा रखते हैं कि अदा ज़्यादा उनको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन उन्होंने तलब किया है अपने ऑफिस में कि वो पेश हों और इसके मुतालिक वजाहत बयान करें।